बजाज ने डोमिनार को फैक्ट्री फिटेड एक्सेसरीज के साथ लॉन्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस वाले मॉडल में जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं इसमें नहीं है। तो ऊपर ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या नई वाली जो एक्सेसरीज लग के आ रही हैं फैक्ट्री में वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बड़ी सी विंड स्क्रीन मिल जाएगी उसमें, फिर यहाँ पे आपको हैंडल बार में यहाँ पे गार्ड्स मिल जाएंगे। नीचे साइड आपको यहाँ पे भी आपको मेटालिक गार्ड मिलेगा। यहाँ पे जो प्लास्टिक है यहाँ मेटल का मिल जाएगा। ये जो आप क्रैश गार्ड देख रहे हैं यहाँ पे एक और आपको लोहे का मिलेगा। फिर पीछे साइड चेंज ये है कि पीछे साइड आपको एक स्टॉपर मिल जाएगा उसमें, और यहाँ पे आपको जो अपना जितना सामान है टूरिंग के लिए वो सब आपको मिल जाएगा। यही कुछ 5-6 चीज़ें हैं एक्सेसरीज़ में जो कि आपको 5000 ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये इसका प्राइस है, इस स्पेसिफिक मॉडल का प्राइस है 212,000 एक शोरूम, और उसका पड़ जाएगा आपको 216,000। तो 5000 ज़्यादा देने पड़ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सस्ती पड़ रही है ऐसे अगर फैक्ट्री फिटेड के साथ लेंगे आप, क्योंकि बाहर से अगर आप लगवाते थे तो वो आपको महंगा पड़ता था, कुछ 10,000 के करीब करीब वो चीज़ पड़ जाती थी, लेकिन इसमें आपको बजाज ने 5000 ही में दे रही है। अब शुरू करते हैं इसकी चाबी से। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ ऐसी चाबी देखने को मिलेगी, फोकस नहीं हो रहा, हाँ ऐसी चाबी देखने को मिलेगी। इसको लगा देते हैं और आपको हेडलाइट दिखाते हैं इसकी। ये देखिए बहुत ही अग्रेसिव लुक साथ आती है इसकी हेडलाइट, एकदम वैम्पायर वाली लग रही है। यहाँ पे आपको DRLs मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको इसका अपर और डिपर मिलता है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर्स भी आपको LED मिलते हैं यहाँ पे। सस्पेंशन की बात करें तो आपको 43mm के USD फोक्स मिल जाते हैं फ्रंट में। टायर साइज है इसका 170/17 सेक्शन, और इसके जो ब्रेक्स हैं ये हैं 320mm के, डुअल चैनल ABS के साथ आती है ये। रियर में आप दिखाएं तो रियर में आपको टायर साइज मिलता है 150/60/17 सेक्शन का, और ये जो ब्रेक है ये मिलता है आपको 230mm का। सस्पेंशन जो है ये है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। रियर में आपको लाइट दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ ऐसी लाइट मिलती है, इंडिकेटर्स इसके भी LED मिलते हैं पीछे साइड। ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छी है बाइक की। साइड से फ्रंट से हर तरफ से इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बल्कि लुक के साथ आती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 373cc का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 40 BHP एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क, और ये सक्षम है 0-100 करने में सिर्फ 6 सेकेंड्स में। टॉप स्पीड है इसकी 165 किलोमीटर पर आर की, और ये माइलेज क्लेम करती है कुछ 32-29 km/L का। इसका फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है 13 लीटर का, और जो डायमेंशंस हैं इसके आपके स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मीटर मिल जाता है आपको। पहले तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिलता है, किल स्विच है यहाँ पे, ये इसके DRLs के कंट्रोल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपर डिपर पास इंडिकेटर्स और हॉर्न के बटन हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिलती है, दो स्क्रीन मिलती है। पहली है यहाँ पे आपको RPM का मीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर और फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे आपको गियर्स बताएगा, ये टाइम के लिए है और ये ट्रिप के लिए है। और भी फीचर्स होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं है। प्राइस के मुकाबले में इसमें दो कलर्स आते हैं, एक ब्लैक और एक ये ग्रीन। अब इस पर हम लोग आपको दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो पहले तो सीट की बात करते हैं। सीट थोड़ी सी रफ़ है लेकिन टूरिंग के लिए अच्छी है कि नहीं ये अभी अली भाई बैठेंगे तो वो बताएंगे। बाकी गाड़ी अच्छी है, अगर इसके राइवल से कंपेयर करें तो इसके राइवल्स हैं क्लासिक 350 और आपका जावा की स्टैंडर्ड हो गई, उसकी होंडा की HNS है वगैरह वगैरह। चलिए अब आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं। एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही बेस के साथ इसका साउंड आता है। चलिए अब इसकी प्रैक्टिकलिटी चेक करते हैं। अली भाई बैठिए। तो अली भाई बाइक पे बैठ चुके हैं, अब आप देख सकते हैं इन पे बाइक कैसी लग रही है। इसकी सीट हाइट भी ठीक ठाक है,
और इनके तरह के लोग अगर इस पर बैठेंगे, आराम से बैठे भाई, तो इनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि बता रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, तो आप उतर सकते हैं अब। तो आपने देखा जैसे इसका वॉक अराउंड था, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, ज़्यादा कुछ गाड़ी में है नहीं बताने को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, और चचा बार बार आ जा रहे हैं इनके वजह से वीडियो ख़राब हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।